काफ़ी दिन से मैं सोच रहा था कि इस बीच कई विषयों को लेते लेते एक विषय छोड़ गया जिसका अध्ययन मैंने आज से साल दो साल पहले चालू किया था और लगा कि अब उसको फिर से चालू कर देना चाहिए। याद है अपन ने प्रभु यीशु के जीवन का अध्ययन शुरू किया था। प्रभु यीशु की जीवनी जब अपन पढ़ते हैं तो एकदम से पढ़ जाते हैं तो उसमें से कई सारी बातें विस्तार से समझ में नहीं आती हैं, लेकिन प्रभु यीशु का जीवन अपने आप में एक ऐसा विषय है जिसका विस्तार से अध्ययन करना हम सब के लिए ज़रूरी है। और इस कारण मुझे लगता है 8-10 महीने पहले हमने इस विषय को छोड़ दिया था, उसके बाद कई और विषय लिए थे, अब समय है वापस जाने का। सभी भाई जो आज भाई बहनें जो उपस्थित हैं उनको पहले जस्ट एक परिचय दे देता हूँ, क्योंकि जब हम उस सीरीज़ का अध्ययन कर रहे थे तब आप लोगों में से कई लोग नहीं थे। मैंने इंट्रोडक्शन में या परिचय में ये बात बताई थी कि शाम के इस सत्संग में हम इस महान ग्रंथ का अध्ययन करते हैं जिसको धर्मशास्त्र कहा जाता है, अंग्रेजी में पवित्र बाइबल कहा जाता है, मलयालम भाषा में वेद पुस्तकम कहा जाता है। इसकी रचना 40 के करीब लोगों ने की थी। 40 के करीब लोगों को प्रभु ने आसमान से प्रेरणा दी और उस प्रेरणा के अनुसार प्रभु जो चाहते थे उस बात को जैसा प्रभु चाहते थे और जिस भाषा में चाहते थे उस तरह से उन्होंने लिख कर हमको दिया। इस महान ग्रंथ में 66 छोटी पुस्तकें हैं, 40 लोगों ने लिखा, 1500 साल के अंतराल में लिखा। मतलब जो पहली पुस्तक है वो प्रभु यीशु के समय से लगभग 1450 साल पहले लिखा गया था। आखिरी पुस्तक की रचना प्रभु यीशु के संसार में पधारने के लगभग 70 साल बाद हुई। इस तरह से 1500 साल में इन 66 पुस्तकों की रचना हुई। 66 पुस्तक, 1500 साल, 3 भाषाएं, इसके बावजूद यह एक ग्रंथ है जिसको दो भागों में अपन विभाजित कर सकते हैं। प्रभु यीशु के पहले जो लिखा गया था पूर्वार्ध, उसको पुराने नियम बोला जाता है। प्रभु यीशु के बाद जो लिखा गया था उसको उत्तरार्ध या नया नियम बोला जाता है। नए नियम में 27 पुस्तकें हैं, उनको बहुत थोड़े लोगों ने लिखा है। एक व्यक्ति ने इनमें से 14 किताबें लिखी हैं, इसलिए मैंने कहा बहुत थोड़े लोगों ने लिखा है। ये जो 27 पुस्तकें हैं इनमें शुरू के 4 ग्रंथ प्रभु के 4 अनुयायियों ने लिखे थे। उस भाषा में और उस कल्चर में, याद रखें आज से 2000 साल पहले मध्य पूर्व में लोगों ने लिखा था। मध्य पूर्व में लोगों के नाम, हम लोग जो नाम यूज़ करते हैं उससे अलग होता है, ये भी याद रखें। अपने हिंदुस्तान में ही आपके गांव और प्रदेश में जो नाम प्रचलित हैं उन नामों से भिन्न नाम यहाँ चलते हैं, ये हर जगह है। मध्य पूर्व में नाम हम जब सुनते हैं हमको बड़ा विचित्र लगता है, लेकिन याद रखें कि हर देश का, प्रदेश का अपना अपना नाम करने का तरीका होता है। ये जो 4 महान ग्रंथ लिखे गए थे शुरू में, पहले ग्रंथ का नाम है मत्ती द्वारा लिखित शुभ संदेश। प्रभु यीशु के महान शिष्य मत्ती नामक व्यक्ति ने उसकी रचना की। दूसरा है मरकुस द्वारा
लिखित जिस लिखा शुभ संदेश, मरकुस प्रभु का बहुत ही समर्पित दास और सेवक था जिसने प्रभु की जीवनी लिखी। लूका के द्वारा, तीसरा ग्रंथ है लूका के द्वारा लिखा गया शुभ संदेश। लूका पहली शताब्दी का एक बहुत ही महान मेडिकल डॉक्टर था, इतिहासकार भी था। उसने सारी बातों को प्रभु यीशु के बारे में जांच पड़ताल के, कब हुए कहां गए, क्या किया, लोगों ने क्या बोला, विस्तार से अपने ग्रंथ में लिखा है। और चौथी पुस्तक है यूहन्ना द्वारा लिखा गया शुभ संदेश। यूहन्ना प्रभु यीशु के जो 12 शिष्य थे उसमें से एक शिष्य थे, और इतना ही नहीं 12 शिष्यों में बहुत ही ज़्यादा पढ़े लिखे हुए व्यक्ति थे, और इस कारण वो जब लिखते हैं तब उनके लिखने का तरीका बिल्कुल अलग है। तो ये जो 4 पुस्तकें हमको मिलती हैं, इन चारों में से 2 की रचना, मत्ती और यूहन्ना की रचना प्रभु के शिष्यों ने की थी, जो 3.5 साल हर जगह प्रभु के साथ गए, प्रभु ने जो बोला वो सुना, प्रभु ने जो किया वो देखा, और प्रभु ने शिष्यों को जो शिक्षाएं दी थी वो सारी शिक्षाएं सुनी। 2 ग्रंथ प्रभु के शिष्यों ने नहीं, अन्य लोगों ने लिखी, जिनका प्रभु के प्रति सीमा के बाहर जिनकी भक्ति थी। एक प्रभु यीशु का परम भक्त था, दूसरा परम भक्त होने के साथ साथ इतिहासकार भी था, वैद्य भी था। अब एक घटना को जब 4 लोग बोलेंगे तो चारों अपने अपने तरीके से बोलेंगे, ये बात मैं याद दिलाना चाहता हूँ। उसी तरह से जब चारों शिष्यों ने प्रभु यीशु की जीवनी लिखी तो हरेक ने अपने अपने हिसाब से प्रभु यीशु के जीवन में जो घटनाएं हुई थी उनको चुनकर लिखा। इस कारण कुछ जो मत्ती में मिलता है वो बाकी में नहीं मिलता है, कुछ मरकुस में मिलता है वो बाकी में नहीं मिलता है। मैं क्या करने जा रहा हूं, ये जो चारों पुस्तकें हैं इनमें जो इतिहास है उसको कई लोगों ने एक साथ कंबाइन करने की, जोड़ने की कोशिश की है, उस आधार पर मैं क्रम से कुछ घटनाओं को आने वाले हफ्तों में यदि प्रभु ने मदद की तो कवर करना चाहता हूँ। क्योंकि प्रभु यीशु की जीवनी का उद्देश्य प्रभु के भक्तों के लिए बहुत जरूरी है और बहुत उपयोगी है। आज ये जो 4 पुस्तक हैं शुरू के, प्रभु की जो जीवनियां हैं, इनमें से चौथी जीवनी को खोल लीजिए, यूहन्ना द्वारा लिखित शुभ संदेश के 4 अध्याय को खोल लीजिए, यूहन्ना 4 अध्याय। इसमें से कई बातें ऐसी हैं जो हम आसानी से समझ सकते हैं, कई बातें ऐसी हैं जो हमारे लिए नई बातें होंगी, लेकिन मैं वो समझाता चला जाऊंगा। 4 अध्याय के 5वें पद में हम पढ़ते हैं, 4 अध्याय के 5वें पद में मैं पढ़ के सुना रहा हूं, आप सुन लीजिए। जब वे सूखार नामक सामरिया के एक नगर तक आए जो उस भूमि के पास है जिसे याकूब ने अपने पुत्र यूसुफ को दिया था। याकूब और यूसुफ आज से 4,000 साल पहले हुए थे, 4,000 साल पहले के ऐतिहासिक लोग थे। न केवल ऐतिहासिक लोग थे, याकूब एक बेहद धनी व्यक्ति था। धनी होने के कारण उसने अपनी प्रॉपर्टी अपने बच्चों को बांट दी थी। याकूब के 12 पुत्र थे जिसमें से 11वें पुत्र को याकूब ने
दिया, यह है इसका मतलब। उस ग्यारहवें पुत्र का नाम था यूसुफ, ठीक है। याकूब का कुआं भी वही था, अतः यीशु, मतलब मैं प्रभु यीशु के बारे में बोल रहा हूं, जिसे अपन हिंदी में ईसा या ईसा मसीह भी बोलते हैं। अतः प्रभु यीशु रास्ते के थके हुए उस कुएं पर बैठ गए। ये बात छठे घंटे के लगभग हुई। छठा घंटा सुन के अपने को कुछ समझ में नहीं आता है, क्योंकि अपन वो लोग जिस हिसाब से समय देखते थे उस हिसाब से नहीं देखते। इसलिए यदि अपनी भाषा में अनुवाद किया जाए तो दोपहर को 12 बजे के करीब यह घटना हुई। हम सब जानते हैं कि दोपहर को 12 बजे कैसी कड़ी धूप हो जाती है। उत्तर भारत में तो ऐसी कड़ी धूप हो जाती है कि गांव यदि आप पैदल जा रहे हो तो 12 के आसपास इच्छा हो जाती है कि कहीं बैठ जाओ। और कुएं के बगल में बैठना, ये तो ऐसा काम है जो आपने मैंने सब किया है। मैं भी जब चंबल के गांव में से होकर गुजरता हूँ और 12 के आसपास मान लीजिए कोई अच्छा सा खेत नज़र आ जाए जहाँ मूली या गाजर की खेती हो रही हो और पास में कुआं भी हो, बैठ लो आप, फ्रेश कुछ खा के तरोताज़ा होके आगे बढ़ सकते हैं। प्रभु थके हुए थे, क्योंकि प्रभु का जो सेवा काल था उस समय प्रभु को कभी विश्राम नहीं मिलता था। सुबह से शाम तक भारी भीड़ उनको घेरे रहती थी, इस कारण थके हुए वो बैठ गए, ठीक है। आगे को जब हम ये अध्याय पढ़ते हैं तब ये बात स्पष्ट होती है कि उस दिन उनके पास खान पान के लिए कुछ नहीं था और इसलिए चेले लोग भोजन लेने के लिए पास के किसी गांव में चले गए थे। याद रखिए उन दिनों आज के समान प्लास्टिक के डब्बे, ब्रेड वगैरह नहीं हुआ करते थे। ये लोग जहां भी जाते थे लोग इनको भोजन लाकर देते थे, इसलिए भोजन साथ में रखते भी नहीं थे। लेकिन कभी कभी ऐसा अवसर आ जाता था कि ना तो भीड़ इकट्ठी हुई, ना भोजन लाके दिया और भूखे भी हैं, साथ में भोजन नहीं है, इसलिए शिष्य लोग बगल के गांव में भोजन लेने के लिए गए थे। प्रभु थके थकाए वहां बैठ लिए। संसार के सृष्टा को थकने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन प्रभु यीशु की ये विशेषता है कि प्रभु ने जब मनुष्य रूप धारण करके इस पृथ्वी पर जन्म लिया तो मेरे आपके समान हर तरह की परेशानियों से होकर गुजरे। हम भूखे हो जाते हैं, प्रभु ने भी भूख का अनुभव कई बार किया। हम प्यासे हो जाते हैं, प्रभु ने कई बार प्यास का अनुभव किया। यहाँ तक कि सूली दी गई थी उनको, तब प्रभु ने सूली पर से जो 7 कथन, जो 7 बातें बोली थी उनमें से एक स्टेटमेंट था, मुझे प्यास लग रही है। याद रखें, संसार के सृष्टा को प्यास लगने की जरूरत नहीं है, लेकिन संसार के सृष्टा जब मनुष्य रूप में आए तो संसार के सृष्टा ने मनुष्य अपने जीवन में जिन जिन चीजों से होकर गुजरता है उन सब में से होकर गुजरने की कोशिश की। प्रभु को प्यास लगी, ठीक है। 7वें पद में देखते हैं, इतने में एक सामरी स्त्री जल भरने आई, प्रभु ने उससे कहा मुझे पानी पिला दीजिए। अच्छा, मुझे पानी पिला दीजिए तो अपन समझ सकते हैं, सामरी स्त्री आई। आप कहेंगे सामरी कौन होता है, मैं तो नहीं समझता। जी हाँ, मैं समझा देता हूँ। आज से 2000 साल पहले मध्य पूर्व में तमाम तरह के लोग हुआ करते थे, जिसमें एक विशेष कैटेगरी के लोग सामरिया नाम के शहर के थे। सामरिया के थे इसलिए सामरी कहलाते थे। जिस तरह से हमारे गांव लश्कर में जो रहता है वो लश्करी कहलाता है, उसी तरह से जो सामरिया में रहता है वो सामरी कहलाता है। एक सामरी स्त्री आई और प्रभु ने कहा कि मुझे पानी पिला दो।
यहां आठवें पद में लिखा हुआ है चेले कहां गए थे, प्रभु के चेले नगर में भोजन लेने को गए थे। सामरी स्त्री ने प्रभु से पूछा, आप यहूदी होकर मुझ सामरी स्त्री से पानी क्यों मांगते हैं? इसका क्या मतलब है? आज से 2000 साल पहले यहूदी लोग सामरी लोगों के हाथ से ना तो खाना ना पानी ना और कोई चीज ग्रहण करते थे। बहुत कठोर दोनों के बीच में अलगाव था। क्यों अलगाव था ये हमारे लिए कोई प्रश्न नहीं है। इतिहास से हम ये बात जानते हैं कि कभी भी कोई यहूदी व्यक्ति सामरी व्यक्ति के द्वारा दिया गया भोजन या पानी ग्रहण नहीं करता था। हम भारतीय लोग ऐसी चीज़ों से बहुत अच्छी तरह से परिचित हैं। ठीक है, सामरी स्त्री को बड़ा शौक हुआ, अरे ये मैं सुन रही हूँ अपने कानों से, ये सच है क्या? इसलिए उस स्त्री ने पूछा कि महाशय, आप तो यहूदी हैं, आप मुझसे पानी मांग रहे हैं, ऐसा क्यों? आप लोग तो हम लोगों से बहुत ज्यादा अलगाव रखते हैं। प्रभु ने क्या जवाब दिया इसको जरा देखें। उसने पूछा कि आप यहूदी लोग जो सामरियों से कुछ भी ग्रहण नहीं करते, आप क्यों पानी मांग रहे हैं? प्रभु ने उसका जवाब नहीं दिया। प्रभु ने जवाब दिया दसवें पद में, यदि तुम परमेश्वर के मतलब प्रभु के वरदान को जानती और यदि यह भी जानती कि वह कौन है जो तुझसे कहता है मुझे पानी पिलाओ, तो तू उससे मांगती और वो तुमको जीवन का जल देता। मतलब उसने स्त्री ने कुछ और पूछा, प्रभु ने कुछ और जवाब दिया, लेकिन दोनों जवाबों के बीच में एक अंतर, एक संबंध था। संबंध क्या था? स्त्री ने, प्रभु ने जिस विषय के बारे में पूछा उससे संबंधित प्रश्न स्त्री से स्त्री ने पूछा, और स्त्री ने जो प्रश्न पूछा उससे जोड़कर प्रभु ने उसको जीवन का संदेश सुनाया। आज जो भाई और बहन लोग प्रभु यीशु की वाणी, परमेश्वर की वाणी प्रभु के वचन से सुन रहे हैं, उनको प्रभु के वचन से कई बातें मैं याद दिलाना चाहता हूं, जिसमें से पहली बात यह है कि प्रभु यीशु के द्वारा जो मुक्ति हमको मिलती है, जीवन जल उसी मुक्ति के बारे में है। जो भी हमसे बात करता है, पुरुष हो या स्त्री, ऊंचा हो या नीचा, प्रभु के बच्चे की जिम्मेदारी है कि उसके संपर्क में जो भी व्यक्ति आता है उसको प्रभु यीशु के द्वारा जो नया जीवन मिलता है उस नए जीवन के बारे में बताए। मेरी और आपकी जिम्मेदारी है। आज से दो हफ्ते पहले मैंने आप सबको हिंदी में एक पुस्तिका दी थी, एक महान प्रेम की कहानी। मैंने आपसे सबसे अनुरोध किया था कि हर व्यक्ति उसे अपने पड़ोसी को दे दे और उसके बाद मैं आपको अगली कॉपी दे दूंगा। मुझसे किसी ने भी आके नहीं मांगा। अब मुझे लगता है आपने दिया या नहीं दिया, शायद कईयों ने दे दिया लेकिन मुझसे मांगने से हिचक रहे हैं। बिल्कुल ना हिचकें, वो आपके ट्रेनिंग का हिस्सा था। आप में से कई लोगों ने प्रभु यीशु को मुक्तिदाता के रूप में ग्रहण किया। उसके बाद जब मैं आपको मार्गदर्शन दे रहा हूँ तो मेरी ये भी जिम्मेदारी बनती है कि मैं आपको ये भी मार्गदर्शन दूँ कि भैया बहन, प्रभु के शुभ संदेश को दूसरों तक पहुँचाओ, और उसका सबसे आसान तरीका है वो पुस्तिका दूसरों को दे देना। तो यहाँ यदि किसी ने अभी तक नहीं दिया है तो वो पुस्तिका अपने मित्र को, पड़ोसी को, जो आपके साथ नौकरी करता है उसको दे दीजिए। अगले हफ्ते पुस्तकों का बंडल हिंदी में मैं लाके यहाँ रखूँगा। यदि आपके साथ काम करने वाला मलयाली है तो मलयालम में भी लाके रख दूँगा। आपको लगता है कि आपका बॉस तो बहुत ऊंची चीज़ है, वो अंग्रेजी से कम कुछ नहीं पढ़ता, तो अंग्रेजी में भी मैं ला दूँगा। लेकिन आप प्रभु ये जो कर रहे हैं उसके आधार पर इस बात को पहचान लें,
कोई भी व्यक्ति हमसे किसी भी विषय में बात करे, उस विषय से चालू करके ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम प्रभु यीशु के द्वारा जो नया जीवन है, जो मुक्ति है, उसके बारे में दूसरों को बताएं। प्रभु ने स्वयं उसका नमूना यहाँ पर हमको दिया है। स्त्री ने तो पूछा कि हे प्रभु, आप जैसा व्यक्ति मुझसे पानी क्यों मांग रहा है? आप लोग कोई व्यवहार नहीं रखते। प्रभु ने उस प्रश्न को छोड़ के पानी के आधार पर कहा कि जीवन का पानी मेरे पास है, तुमने नहीं जाना, इसलिए तुम जो है इस तरह की बात कर रही हो, नहीं तो तुमने मुझसे जीवन का पानी मांगा होता। स्त्री बहुत कंफ्यूज हो गई। देखिए 11वें पद में लिखा है, स्त्री ने प्रभु से कहा, हे प्रभु, आपके पास तो जल भरने को कुछ नहीं है। ये आज से 2000 साल पहले की बात है, जब प्लास्टिक की बाल्टियां नहीं होती थी। आज से 30 साल पहले भी प्लास्टिक की बाल्टियां न के बराबर होती थी। तो 2000 साल पहले प्लास्टिक की बाल्टियां नहीं होती थी, ना ही लोहे के बर्तन होते थे। उस समय लोहे के बर्तन बहुत महंगे होते थे, इस कारण कुएं पर जनरली बाल्टी नहीं होती थी। जो भी आता था वो अपने साथ अपना अपना बर्तन लाता था, वो भी कैसा, या तो मिट्टी का या चीनी का, और पानी भर के ले जाते थे। तो ये स्त्री बचपन से उस कुएं पर आती है, उसने एक नज़र में ताड़ लिया कि ये जो महाशय बात कर रहे हैं, इनके पास ना तो घड़ा है, ना चीनी मिट्टी का कुछ है, ना ही कोई चमड़े का मश्क नज़र आ रहा है। तुरंत उसने पूछ लिया कि आप मुझे पानी देने की बात कर रहे हैं, आपके पास तो बर्तन भांडा कुछ नहीं है, आप कैसे पानी देंगे? देखिए, जब हम प्रभु यीशु के शुभ संदेश को पहली बार जब किसी व्यक्ति को सुनाते हैं, तो हो सकता है उस व्यक्ति को समझ में ना आए, और इसलिए वो व्यक्ति एकदम से असमंजस में पड़ जाए, यह स्वाभाविक है। कल को आप अपने साथ के किसी व्यक्ति को, अड़ोसी पड़ोसी को, जो आपके साथ नौकरी करता है, उसको यदि प्रभु यीशु के बारे में बताएं और यदि उसको ये बात समझ में ना आए, तो उसमें ताज्जुब ना देख करें। इस संसार के सृष्टा ने जब उस स्त्री को शुभ संदेश दिया, उसको नहीं समझ में आया। इस संसार के सृष्टा से ज़्यादा अच्छी तरह से कौन किस बात को समझा सकता है। इसके पहले एक और अध्याय में हमने देखा था, एक बहुत ही बड़े धर्मशास्त्रों के ज्ञानी निकुदेमुस नाम के व्यक्ति प्रभु से मिलने के लिए आए थे। इसके पहले तीसरे अध्याय में है, प्रभु ने निकुदेमुस से कहा, उसको भी कुछ नहीं पल्ले पड़ा। इस बात को हम समझ जाएं, अभी तक जो कुछ मैंने बताया है उसके आधार पर दो बातें समझ जाएं। नंबर वन, हम में से हर व्यक्ति की जिम्मेदारी है कि प्रभु यीशु के द्वारा जो नया जीवन हर व्यक्ति के लिए उपलब्ध है, उस नए जीवन के बारे में हर मौके पर कोई किसी भी विषय के बारे में बात क्यों ना करे, उस विषय से चालू करके प्रभु के बारे में, प्रभु के द्वारा जो नया जीवन मिलता है उसके बारे में उस व्यक्ति को बताएं, ये हमारी जिम्मेदारी है। नंबर टू, जब हम किसी को प्रभु यीशु का शुभ संदेश सुनाएंगे, तो वो व्यक्ति एकदम से चकित हो जाए, समझ में ना आए, इसमें कोई ताज्जुब की बात नहीं है। जब संसार के सृष्टा ने तीसरे अध्याय में एक महापंडित को शुभ संदेश सुनाया, चौथे अध्याय में गांव की एक स्त्री थी उसको सुनाया, दोनों को पहली बार में बात समझ में नहीं आई। कल को आप अपनी जिम्मेदारी पूरी करें, अपने साथियों, अड़ोसियों, पड़ोसियों को प्रभु यीशु का शुभ संदेश सुनाएं, और यदि उसको समझ में ना आए, तो अरे बाप रे, तुझे ना तो कोई बात कल समझ में आई थी, ना आज समझ में आई, कभी तुझे कोई बात समझ में नहीं आएगी, ये कहने की बड़ी इच्छा होती है। लेकिन याद रखें, जब हम प्रभु यीशु का शुभ संदेश दूसरों को सुनाने की कोशिश करते हैं, तब हमारे अंदर बहुत ही ज़्यादा
धैर्य होना चाहिए, इंतजार करें। आज कल परसों यदि एक व्यक्ति को 100 बार सुनाने के बाद ही वो बात समझ में आए तो 100 बार सुनाना आपकी जिम्मेदारी है। आपको वहाँ इसलिए रखा गया है कि मैं वहाँ नहीं आ सकता, इसलिए अपनी जिम्मेदारी ना भूलें। हिंदी में एक कहावत है, करत करत अभ्यास जड़मति हो तो सुजान। मतलब जो यहाँ से बिल्कुल ठस है, जिसको कुछ नहीं समझ में आता, बार बार यदि अभ्यास करे तो जड़, जिसकी बुद्धि जड़ है वो भी सुजान मतलब ज्ञानी हो जाता है। उसके बाद अगली लाइन जो मैं सुनाने जा रहा हूं, ये जिसने भी गांव में जीवन बिताया है वो जानता है। वहां अगली लाइन है, रसुरी आवत जावत है पड़े सिल पर निशान। मतलब कुएं में पत्थर जो लगा रहता है, उस पत्थर पे अपन रस्सी खींचते हैं, पानी का भरा हुआ मटका खींचते हैं। रसुरी आवत जावत है, आते जाते जिस चैनल से वो रस्सी आती जाती है वहां पत्थर पे निशान पड़ जाता है क्या? पत्थर गहरा हो जाता है क्या? हो जाता है। आपने देखा है, मैंने भी देखा है, सबने देखा है, पत्थर रस्सी के सामने पत्थर क्या है? रस्सी लेके पत्थर से यूं कूट दो तो रस्सी कट जाती है, लेकिन वो रस्सी जब उस शिला पर नियमित रूप से आती जाती है तो शिला को भी काट जाती है। आपको मालूम है क्या, पत्थर काटने के लिए कई फैक्ट्रियों में पानी की धार का उपयोग करते हैं। जी हाँ, आरे से नहीं, पानी की धार से कई जगह पत्थर काटा जाता है। तो ये ना सोचें कि नरम चीज जो है उसका असर नहीं होगा। ऐसे ही प्रभु से जब उस विद्वान ने पूछा, जितनी देर उस विद्वान ने पूछा प्रभु ने जवाब दिया। उस स्त्री ने पूछा, प्रभु ने बहुत ही क्षमा के साथ, बहुत ही धैर्य के साथ उस स्त्री को जवाब दिया। ठीक है, 13वें अध्याय में प्रभु ने फिर से व्याख्या की। 13वें पद में यीशु ने उसको उत्तर दिया, जो कोई ये जल पिएगा वो प्यासा होगा, परंतु जो कोई उस जल में से पिएगा जो मैं उसको दूंगा वो कभी प्यासा नहीं होगा, अनंत काल तक प्यासा नहीं होगा। 15वें पद में अभी भी स्त्री को बात समझ में नहीं आई। 15वें पद में स्त्री ने लिखा है, हे प्रभु वो जल मुझे दे दीजिए जिससे कि मैं प्यासी ना हूं और जल भरने को इतनी दूर ना आऊं। यहाँ कई बातें हम समझते हैं, हम जानते हैं। आजकल तो कई गांवों में पाइप से पानी आने लगा है, लेकिन आज भी सारे भारत में लाखों ऐसे गांव हैं जहां नल से पानी नहीं आता है। और इस सूखे के सीजन में स्थिति यह है कि औरतें, बच्चियां और बच्चे कई बार 8-8, 10-10 किलोमीटर पैदल जाके पानी भर के लाते हैं। उस स्त्री ने कहा, प्रभु वो पानी मिल जाए तो जिंदगी भर पानी नहीं भरना पड़ेगा। यहां उससे दो गलती हुई। पहली बात, प्रभु ने जो बात कही उसको अभी भी नहीं समझ पाई वो। नंबर दो, अरे घर में सिर्फ एक मुंह है क्या? एक ही व्यक्ति है क्या जो पानी पीता है? उसकी प्यास, एक व्यक्ति की प्यास बुझ जाए तो घर में बाकियों को प्यास नहीं लगेगा क्या? बिल्कुल लगेगा। तो उस स्त्री को यहां दो गलतियां हुई। नंबर एक, अभी भी प्रभु की जो शिक्षा है वो पूरी तरह से समझ नहीं पा रही। नंबर दो, आधा अधूरा समझने के कारण उल्टा सीधा गलत बोल रही है। जब आप प्रभु यीशु के द्वारा मुक्ति के संदेश को पहली बार या दूसरी बार ऐसे व्यक्ति को सुनाएंगे जिसने इसको नहीं समझा है, तो बार बार बोलना पड़ेगा। वो हो सकता है उसको गलत सलत समझे, उसकी व्याख्या करे, कोई बात नहीं है।
यह आपकी जिम्मेदारी है कि जब तक रस्सी, नरम रस्सी, जब तक वो शिला को काट ना दे, तब तक आते रहे जाते रहे, मतलब उससे वार्तालाप करते रहे, जिससे कि उस व्यक्ति को सब कुछ समझ में आ जाए। यहां दोनों की काफी देर बातचीत होती रही, 5-10 मिनट और बात हुई, तब स्त्री को अचानक ये बात समझ में आई कि मेरे सामने जो खड़े हैं या जो बैठे हैं, जनरली यहूदी शिक्षक बैठकर ही शिक्षा देते हैं, मतलब आमने सामने शिष्यों को जब देते हैं, सभा को देते हैं तो खड़े होकर देते हैं, शिक्षा देते समय तो इस तरह से, जब उन्होंने कुछ देर उस स्त्री से बात की, तब उसको समझ में आया कि मुझसे जो बात कर रहा है ये एक सामान्य यहूदी नहीं, बल्कि ये स्वयं प्रभु है। उसका रिजल्ट क्या हुआ, 28वें पद में वो स्त्री अपना घड़ा छोड़ के नगर में चली गई। देखिए यह एक विचित्र बात है, नगर से काफी दूर गांव आना पड़ा पानी ले जाने के लिए, घर में एक मुंह नहीं है, घर में और भी लोग होंगे, उन सबको पानी की जरूरत है, और जब तक ये यहां से घड़ा भर के पानी ना ले जाए, घर में लोग पानी के लिए इंतजार कर रहे होंगे, इंतजार ना भी कर रहे हैं, पानी घर में यदि थोड़ा बहुत स्टॉक हो तो भी वो पानी कम होने पर है, क्योंकि इसीलिए तो वो भरने के लिए आई थी। अब क्या हुआ, पानी भरना वो भूल गई। अच्छा, पानी भरना भूल गई तो ठीक है, घड़ा वहीं छोड़ गई, ऐसा कोई करता है क्या, नहीं करता है। लेकिन जब प्रभु ने उसको मुक्ति के बारे में बार बार बताया, और जब वो समझ गई कि ये प्रभु स्वयं पधारे हैं जो मुक्ति के बारे में बता रहे हैं, पानी भी भूल गई, घड़ा भी भूल गई, सब कुछ भूल गई, अब उसके मन में सिर्फ एक इच्छा थी, सबको जाके बताओ कि प्रभु पधारे हैं। जब हम प्रभु यीशु का शुभ संदेश विश्वास योग्यता से दूसरों को सुनाते हैं, और जब उनको वो बात समझ में आ जाती है, और जब वे लोग नया जीवन पा लेते हैं, तो हम जो कर रहे हैं वही कार्य वो लोग भी करेंगे। और यहां तो स्त्री ने गजब कर दिया, प्रभु तो 1-to-1 प्रभु एक स्त्री को बता रहे थे, वो सब कुछ छोड़ के भाग के जाके उसने अपने सारे नगर में बताया, अरे वो प्रभु पधारे हैं। देखिए 39 पद में हम देखते हैं, उस नगर के बहुत से सामरियों ने उस स्त्री के कहने से यीशु पर विश्वास किया। हमें प्रभु ने हमको जो जिम्मेदारी दी है वो कभी हल्के से नहीं लेना चाहिए। जिम्मेदारी क्या है, जाओ और ये शुभ संदेश दूसरों को सुनाओ। आज शाम को यहां जितने लोग एकत्रित हुए हैं, क्यों हुए हैं, मेरे कारण जी नहीं, एक जवान के कारण जो सरकारी नौकरी में है, जो दिन भर थका देने वाली नौकरी करता है, लेकिन जिसके मन में ये इच्छा है कि प्रभु ने मुझे जो आज्ञा दी है उस आज्ञा के अनुसार मैं प्रभु यीशु का शुभ संदेश दूसरों तक पहुंचाऊंगा, इस कारण भाई जेफरी ने आप लोगों से संपर्क किया, इस कारण आज इस सत्संग में आप लोग आए। हमारा क्या रोल है, जब वो पीछे जो भाई लोग बैठे हुए हैं, जब उन्होंने देखा कि भाई जेफरी इस तरह से कार्य कर रहे हैं और उसके कारण कई लोग प्रभु के बारे में जानना चाहते हैं, तो हम सब जो है वॉलंटियर का काम करने लगे। कोई चाय का काम देख रहा है, कोई गाने का काम देख रहा है, कोई माइक फिट कर रहा है, कोई इधर इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक जो है उसको प्ले करने के लिए आ रहा है, कोई प्रभु के संदेश से तैयारी कर रहा है। लेकिन ये सब एक व्यक्ति के कारण है जिसने अपने जीवन में प्रभु की बुलाहट को सुना। उस संदर्भ में आज शाम को मैं याद दिलाना चाहता हूं, प्रभु ने हम सबको बुलाया है, प्रभु ने आज्ञा दी थी जाओ और सारे संसार में ये शुभ संदेश सुनाओ। इस कारण आज शाम को
जो भाई बहन यहाँ एकत्रित हुए हैं उनको मैं याद दिलाना चाहता हूँ, आप जिस कारखाने में काम करते हैं वहाँ यदि 10 लोग काम करते हैं या 100 लोग काम करते हैं, याद रखें मैं वहाँ आकर उन लोगों से बात नहीं कर सकता, मैं तो उनके लिए अनजान व्यक्ति हूँ, लेकिन आपको वो जानते हैं, आपको पहचानते हैं, आपके स्वभाव से इस बात को जानते हैं कि आप प्रभु की संतान हैं। इस कारण आपकी जिम्मेदारी है कि उनको प्रभु यीशु के शुभ संदेश के बारे में सुनाएं, और जब आप सुनाएंगे वे लोग प्रभु के पास आएंगे। और जिस तरह से ये स्त्री जब प्रभु के, जिसने प्रभु को मुक्तिदाता जाना, उसने जाकर पूरे शहर के लोगों को बता दिया। आज संध्या को प्रभु यीशु की ये जो जीवनी है, इसमें से एक दो बातें जो मैं आपको बताना चाहता था याद दिला दूं। नंबर वन, प्रभु यीशु का शुभ संदेश संसार में हर व्यक्ति के पास पहुंचना जरूरी है, इसीलिए प्रभु संसार में पधारे थे, प्रभु ने मनुष्य रूप इसीलिए धारण किया था। लेकिन आज से लगभग 2000 साल पहले जब प्रभु स्वर्गारोहण हो गया, तब प्रभु ने कहा अब जब तक मैं वापस ना आऊं तब तक मेरे बच्चों ये तुम्हारी जिम्मेदारी है कि ये शुभ संदेश दूसरों तक पहुंचाओ। इस कारण आज शाम को इस सभा में जितने लोग हैं जिन्होंने प्रभु के द्वारा मुक्ति या नए जीवन का अनुभव किया है, वे लोग अपनी जिम्मेदारी को अच्छी तरह से समझकर उस जिम्मेदारी को विश्वास योग्यता से पूरी करें, ये आपसे मेरा अनुरोध है। नंबर दो, यदि इस सभा में ऐसा कोई व्यक्ति है जिसने इस संदेश को अभी तक नहीं पहचाना है, जिसको इस बात का यकीन नहीं है कि उसको प्रभु के द्वारा मुक्ति मिली है, उस भाई और बहन से मैं ये प्रार्थना करता हूँ, ये मेरा अनुरोध है, मेरे प्रिय भाई, मेरी प्रिय बहन, प्रभु यीशु के द्वारा जो नया जीवन हमको मिलता है, जो हम में से कई लोगों ने पाया है, उसको अनदेखा ना करें, ये आपके जीवन की बात है। इस कारण यदि इस सभा के बाद हम में से किसी से मिलकर बात करेंगे तो हम विस्तार से आपको बताएंगे। उसका सारांश मैं बता दूं, मनुष्य पापी है, पापी मनुष्य को मुक्ति की जरूरत है, अपने स्वयं के प्रयत्न से कोई भी व्यक्ति मुक्ति नहीं पा सकता, लेकिन मुक्तिदाता प्रभु यीशु ने आज से 2000 साल पहले संसार में आकर मेरे आपके आपकी मुक्ति के लिए सूली पर अपना बलिदान दिया। जो भी व्यक्ति प्रभु के पास जाकर कहता है प्रभु मैं पापी हूँ, आपने मेरे लिए सूली पर अपना बलिदान किया, मैं आपके बलिदान को ग्रहण करता हूँ, मुझे मुक्ति दीजिए, जो भी इस तरह से प्रार्थना करेगा प्रभु उसको मुक्ति प्रदान करेंगे। इस बात को समझने के लिए और प्रभु की इच्छा को जानकर मुक्ति पाने के लिए, और जिन्होंने भी मुक्ति पाया है वे लोग ये संदेश और आगे बढ़ाएं, उसके लिए प्रभु आज संध्या को हम सबको शक्ति दें।